सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने खास बातचीत की। जून 2022 में लाई गई अग्निपथ योजना पर बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि यह भारतीय सेना के हित में नहीं है। उन्होंने कहा 1.5 से 2 लाख तक युवा है जिनका सेना में भर्ती के लिए चयन तो हुआ, लेकिन वो भर्ती नहीं हो पाए क्योंकि अचानक ही सरकार अग्निपथ योजना ले आई थी। सचिन पायलट ने कहा, हमारी मांग है कि अग्निपथ योजना पर पूर्ण विचार किया जाए और जिन युवाओं का अंतिम चरण तक चुनाव हो गया था, सिर्फ रिक्रूटमेंट बचा था, उन्हें सेना में भर्ती किया जाए। उन्होंने कहा, हम अपने मैनिफेस्टो में यह शामिल करेंगे कि अगर सत्ता में आए तो भारतीय सेना में रिक्रूटमेंट की जो पुरानी व्यवस्था थी उसे फिर से बहाल किया जाए। सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने खास बातचीत की। जून 2022 में लाई गई अग्निपथ योजना पर बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि यह भारतीय सेना के हित में नहीं है। उन्होंने कहा 1.5 से 2 लाख तक युवा है जिनका सेना में भर्ती के लिए चयन तो हुआ, लेकिन वो भर्ती नहीं हो पाए क्योंकि अचानक ही सरकार अग्निपथ योजना ले आई थी। सचिन पायलट ने कहा, हमारी मांग है कि अग्निपथ योजना पर पूर्ण विचार किया जाए और जिन युवाओं का अंतिम चरण तक चुनाव हो गया था, सिर्फ रिक्रूटमेंट बचा था, उन्हें सेना में भर्ती किया जाए। उन्होंने कहा, हम अपने मैनिफेस्टो में यह शामिल करेंगे कि अगर सत्ता में आए तो भारतीय सेना में रिक्रूटमेंट की जो पुरानी व्यवस्था थी उसे फिर से बहाल किया जाए।